दोस्तों 1998 में दिलीप कुमार को पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले अवार्ड निशाने इम्तियाज की भारी कीमत चुकाना पड़ी थी। उन दिनों एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत की फोर्सेस आमने सामने थी, दूसरी तरफ भारत के अंदर भी एक जंग छिड़ी हुई थी और इसका नाम था निशाने इम्तियाज, जिसका निशाना दिलीप कुमार थे, जिन्हें पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशाने इम्तियाज दिया गया। दिलीप कुमार को पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड मिलने पर शिवसेना के सरबरा बाल ठाकरे ने कारगिल जंग के हवाले से कहा था दिलीप कुमार को ये अवार्ड वापस करके देशभक्ति का सबूत देना चाहिए। आज की यात्रा में हम दिलीप कुमार को पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड मिलने के बाद की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। उस वक्त बाल ठाकरे और दूसरे सियासतदान क्या भाषणबाजी कर रहे थे, अदाकारों में हक सच की बात कौन कर रहा था, दिलीप कुमार पर इस सारी सूरत हाल में क्या गुजर रही थी और आम लोग उनके साथ किस तरह खड़े थे और इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें किस तरह शहर दर शहर उनके खिलाफ मुजाहरे कर रही थी। बाल ठाकरे ने दिलीप कुमार को अवार्ड वापस करने की बात अभी की ही थी कि भारतीय विद्यार्थी सेना के कारकुन नरगिस दत्त रोड पर वाके दिलीप कुमार के घर की तरफ मुजाहरा करने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस ने उन्हें घर के करीब ही रोक लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला गोपीनाथ मुंडे ने दिलीप कुमार से कहा कि वो बिला ताखीर निशाने इम्तियाज वापस कर दे, वरना हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाए। शिवसेना के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडरों ने भी दिलीप कुमार से ये अवार्ड वापस करने के लिए कहा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने शिवसेना और संघ परिवार की तरफ से दिलीप कुमार से अवार्ड की वापसी के मुतालबा की सख्त मजम्मत की और कहा दिलीप कुमार किसी से भी कम देशभक्त नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने दिलीप कुमार की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा पार्टी दिलीप कुमार की वतन परस्ती पर उंगली उठाने वालों से निमटने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। बॉलीवुड एक्टर्स में से उस मौका पर दिलीप कुमार के साथ सुनील दत्त और शबाना आजमी तो पूरे कद के साथ खड़े ही थे, लेकिन जिस अदाकार ने दबंग अंदाज में दिलीप कुमार के हक में आवाज उठाई वो शत्रुघ्न सिन्हा थे। शत्रुघ्न सिन्हा जो उस वक्त बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के मेंबर थे ने अवार्ड वापस करने के मुतालबे की मजम्मत की और कहा मैं कारगिल की लड़ाई की वजह से लोगों के जज्बात की कदर करता हूं, मगर ये लोग जज्बात में हद से आगे बढ़ गए हैं। दिलीप कुमार से वतन परस्ती का सबूत मांगना सरासर गलत है। दिलीप साहब ने ये अवार्ड हकूमत से सलाह मशवरा के बाद लिया था। मैं पूछता हूं दिलीप साहब ने हिंदुस्तानी अदाकार के तौर पर दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, क्या इससे उनकी वतन से मोहब्बत साबित नहीं होती? दिलीप साहब को निशाने इम्तियाज मिला है, इससे पहले देवानंद और सुनील गावस्कर को भी पाकिस्तान की तरफ से तारीफी असनाद दी गई थी, क्या वो भी वापिस कर दें? इस सारी सूरत हाल के दौरान दिलीप कुमार जो एक हसास तरीन फर्द थे बहुत परेशान हुए। शम्मा देहली के मुताबिक दिलीप कुमार ने इस मामले के दौरान एक हफ्ता देहली में गुजारा। वो इस दौरान इतने मसरूफ दिखाई दिए कि जिंदगी में पहले कभी इतने मसरूफ दिखाई नहीं दिए थे। वो इस सूरत हाल से
परेशान तो जरूर हुए लेकिन टूटे नहीं। 9 जुलाई 1998 को दिलीप कुमार एक दिन के कयाम के लिए दिल्ली आए, मगर उनका कयाम बढ़ता ही चला गया। 2 दिन बाद सायरा बानो भी दिल्ली आ गईं और उन्हें 16 जुलाई तक दिल्ली में ही रहना पड़ा। दिल्ली में कयाम के दौरान उन्होंने सदर और वजीरे आजम से मुलाकात की। वजीरे आजम से मुलाकात के बाद दिलीप कुमार ने कहा वो ये अवार्ड वापिस नहीं करेंगे। वजीरे आजम ने मुझे और मेरी फैमिली को पूरी सिक्योरिटी देने की बात की है, क्योंकि कई दिनों से मेरे घर पर धमकी आमेज फोन आ रहे हैं। इन लोगों ने मेरे घर की बिजली, पानी और टेलीफोन के कनेक्शन काटने की भी धमकी दी थी। अगर अवार्ड वापस करने से अमन कायम हो जाए तो मैं फिलफोर इसे वापस कर दूंगा। एक अवार्ड की क्या हैसियत है, मुल्क के वकार के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि एक मामूली बात के लिए इतना हंगामा बपा किया जा रहा है। इन्हीं दिनों लालू प्रसाद यादव ने दिलीप कुमार को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा दिलीप कुमार को ना तो अवार्ड वापस करने की जरूरत है और ना ही अपनी देशभक्ति साबित करने की। 13 जुलाई को दिलीप कुमार दिल्ली के जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां शिवसेना के लोगों ने मुजाहिरा किया। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें उन दिनों शहर दर शहर दिलीप कुमार के खिलाफ मुजाहरे कर रही थी। उन्होंने दिलीप कुमार के घर के बाहर भी बहुत से मुजाहरे किए, लेकिन आम लोग दिलीप साहब के साथ खड़े थे। उन्हीं दिनों एक रीडर ने शम्मा दिल्ली को खत लिखा कि शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे दिलीप कुमार से अवार्ड वापस करने का मुतालबा कर रहे हैं और साथ ही मुसलमानों की वतन परस्ती पर शको शुबा का इजहार भी कर रहे हैं। हालांकि सरहद पर ठाकरे खानदान का कोई फर्द दुश्मन से मुकाबला नहीं कर रहा, इस जंग में हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। एक और रीडर ने शम्मा दिल्ली को लिखा कि दिलीप कुमार को सायरा बानो के हमरा ना तो किसी सियासतदान से मुलाकात करनी चाहिए और ना ही उन्हें अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।